मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में दुखद हादसा हो गया। गणेश विसर्जन जुलूस में चल रही डीजे की गाड़ी के नीचे कुचले जाने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गानों के शोर में बच्चों की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। फिलहाल पुलिस ने डीजे वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला निवाड़ी जिले के ओरछा का है। बताया गया कि ओरछा के नरिया मोहल्ले में गणेश जी की मूर्ति विराजित की गई थी। गुरुवार को इसे विसर्जन करने के लिए जुलूस निकाला गया। इसमें डीजे भी शामिल किया गया था, जिसमें गानों पर लोग डांस कर रहे थे। इसी दौरान 8 वर्षीय हर्षु जोगी अचानक डीजे वाहन के पहियों के नीचे आ गया। गानों की तेज आवाज में बच्चे की चीखें भी कोई नहीं सुन सका। जब डीजे वाहन उसके ऊपर से गुजर गया तो लोगों को हर्षु खून से लथपथ नजर आया। उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, पर यहां से उसे झांसी रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने डीजे को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एक्चुअली कल गणेश विसर्जन के समय झांकियां निकल रही थी, तो बच्चा डीजे पर बैठा हुआ था और डीजे चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से उसको चलाया गया, तो बच्चा डीजे से गिर पड़ा और गाड़ी पहिया चढ़ने से उसकी मृत्यु हो गई बच्चे की। क्या कार्रवाई की है इसमें? इसमें अभी अपन ने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है उसके पिताजी की रिपोर्ट पर से, और डीजे को भी तत्काल जब्त कर लिया है। बच्चे का पीएम करा दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर प्रयास कर रहे हैं।